हे गाइस, मैं अभी सीख रहा हूँ। आप देख रहे हो ज्ञान, तो थंबनेल देखकर के आप समझ गए कि क्या बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आपको बीटेक के प्रस्पेक्टिव से। क्यों? क्योंकि जब मार्केटिंग की बारी आती है ना, तो शारदा यूनिवर्सिटी भी कुछ कम पीछे नहीं है अपने कोर्सेज को एकदम से लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो आज देखेंगे कि क्या सिर्फ कोर्स ही पहुँचाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, प्लेसमेंट्स के थ्रू अच्छे कंपनीज में भी पहुँचा पाते हैं। तो सबसे पहले इसके ओवरव्यू से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो बात करें स्टार्ट कब होता, तो 2009 से ये चल रहा है। ओनरशिप की बात करूं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आप सबको पता है। बात करें कैंपस साइज का, तो 63 एकर्स का इसका अर्बन कैंपस है, बट मैं इसको सेमी अर्बन कैंपस बोलूंगा क्योंकि शहर से बहुत ज्यादा दूर है। लोकेशन की बात करूं तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका कैंपस है। NRF की करंट रैंकिंग की बात करूं तो 164 इसकी करंट NRF रैंकिंग है। इंस्टीट्यूट टाइप की बात करूं तो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और एफिलिएशन जो इसको है UGC से इसको एफिलिएशन मिला हुआ है, और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है sharda.ac.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी का कि आप शारदा यूनिवर्सिटी कैसे पहुंचेंगे, स्पेशली जब आप दिल्ली की तरफ से आ रहे तो एक बात ध्यान रखना कि इसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ना, वो JP ग्रीन पड़ी चौक मेट्रो स्टेशन है। लेकिन अगर आप दिल्ली की तरफ से जा रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है, बोटैनिकल गार्डन जो मेट्रो स्टेशन है वहां पे उतर जाना है। वहां से आपको बस लेना है पड़ी चौक की, और पड़ी चौक से कोई भी ऑटो पकड़ करके आप शारदा यूनिवर्सिटी बहुत ही इजीली पहुंच जाएंगे। अगर आप अपना व्हीकल लेके नहीं आ रहे ना, तो ये सबसे शॉर्टकट है शारदा यूनिवर्सिटी पहुंचने का। बात करते हैं रैंकिंग का, तो सबसे पहले मैं लास्ट ईयर की रैंकिंग की बात करूंगा। और हाँ, अगर आपने लास्ट ईयर का इसका रिव्यू नहीं देखा मेरा, तो जरूर देखना, आपको बहुत हद तक आइडिया हो जाएगा कि ये कॉलेज कैसा था, और इस साल में आप देखने पर समझ में आएगा कि हाँ कितना कुछ आगे गया है या पीछे गया है। अगर बात करें लास्ट ईयर की रैंकिंग का, तो इसकी ओवरऑल रैंकिंग जो था 151 से लेकर के 200 के बीच में था, यानी कि 151 से 200 के बीच में। NRF में इंजीनियरिंग में रैंकिंग 164 है। NRF की अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो 101 से लेकर के 150 के बीच है। और रिसर्च में इसकी कोई रैंकिंग जो है लास्ट ईयर नहीं करा गया था। अब बात कर लेते हैं इसकी करंट NRF रैंकिंग की, तो करंट ओवरऑल जो है 101 से लेकर के 150 तक है। इंजीनियरिंग में 151 से लेकर के 200 तक है। ध्यान है कि लास्ट ईयर इसका 164 था इंजीनियरिंग में। अब बात करें इसके अगर यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्या है, तो 87 इसकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। रिसर्च में इस साल भी इसको रैंक नहीं करा गया है। और बात करें इंडिया टुडे ने, तो इसको 102 रैंक दिया हुआ, और टाइम्स ने 15 रैंक पर रखा है। मतलब सोच के भी हंसी आती है कि 15 रैंक ऑल ओवर इंडिया में इसको दिया गया है। अब बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स का, तो एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में क्या होते हैं कि कोई इंटेक फिक्स नहीं होता है। स्टूडेंट आते जाते हैं, इंटेक धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है, तो कोई ऐसा लिमिटेशंस नहीं होता कि यहाँ पे 100 बच्चे ही एडमिशन लेंगे या 200 लेंगे या 250 इंटेक होगा, ऐसा कुछ लिमिटेशंस नहीं होता। बहरहाल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बीटेक में टोटल कितने ब्रांचेज हैं, तो यहाँ पे आपको 28 देखने को मिलेगा। टोटल इंटेक की बात करो तो वैसे तो इंटेक अवेलेबल नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेटली 3,000 to 5,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है यूजी के कोर्स में, यानी कि बीटेक में एडमिशन लेते हैं। 28 स्पेशलाइजेशन है यहाँ पे, अगर 200-250 भी पर स्पेशलाइजेशन पकड़ के चलो तो कितना हो जाता है। अगर बात करें सीट्स का, तो किसी भी ब्रांच में, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का हो, ECE का हो, मैकेनिकल का हो या IT का हो, जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बट इतना ध्यान रखना कि इंटेक बहुत ही ह्यूज एंड पे है, तकरीबन 5,000 स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा, तो प्लेसमेंट्स यहाँ पे जो है क्वालिटी डिप होना ही होना है जब आपके पास इंटेक ह्यूज है। और ओवरऑल UG कोर्सेज के अगर इंटेक की बात करूँ, तो वो तो फिर 10,000 के पार चला जाएगा। अब बात करते हैं शारदा यूनिवर्सिटी में आपको बीटेक में एडमिशन कैसे मिलेगा। तो एग्जाम की बात करूं तो शारदा यूनिवर्सिटी का अपना इनहाउस एंट्रेंस एग्जाम होता है, शारदा यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट, शॉर्ट भी बोलते हैं। मैंने इस पर कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ, तो अगर वो नहीं देखा तो जाकर के देख लेना। अदर एग्जाम्स की बात करूं तो GMAN के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है, और मैंने सुना है कि CUET के बेसिस पे भी यहाँ पे इस बार आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर बात करें इंटरव्यू का, तो हाँ एक पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट करा जाता है, बट ऐसा कोई एकदम हार्ड नहीं होता, IIM टाइप बहुत ही आसान होता है। एक्चुअली यहाँ पे जो कंसल्टेंट घूम रहे होते हैं शारदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने के लिए, तो उस केस में देखो कि भाई पर्सनल इंटरव्यू का क्या ही मतलब वैल्यू रह जाता है। काउंसलिंग की बात करो तो शारदा यूनिवर्सिटी अपना इनहाउस काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो कंडक्ट करती है। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो आपके 10th में जो है मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, तभी जाकर के आप एलिजिबल हो पाओगे। और क्लास 12th में मिनिमम एग्रीगेट 70% मार्क्स आपका होना ही होना चाहिए। साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 60% होना चाहिए, और इंडिविजुअली मैथमेटिक्स में आपके 50% मार्क्स हैं, तभी जाकर के आप एलिजिबल हो पाओगे यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर आपके हैं, तो आप जो है यहाँ पर एडमिशन के लिए एलिजिबल हो, डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा स्पेशलाइजेशन आपको मिल रहा है।
अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी शारदा यूनिवर्सिटी में क्या कुछ कट ऑफ जाता है। तो इनका जो शॉर्ट एग्जाम होता है ना, अगर आपने उसमें मिनिमम 35% मार्क्स सिक्योर कर लिया तो जो है आप क्वालिफाई समझे जाएंगे। और वहीं पे अगर आपका जी मेन में अप टू 3 लाख तक रैंक आता है तो आप समझना कि आपका यहाँ पर एडमिशन आसानी से हो जाएगा। ये तो था कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर का। यहाँ पे मैं दोनों तरीके के फी स्ट्रक्चर की बात करूँगा। मैं एकेडमिक फी भी आपको बताने वाला हूँ, साथ ही साथ आपको हॉस्टल के फी के बारे में भी बताऊंगा। बट एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आपको ये पता करना है कि यहाँ से अगर आप बीटेक करते हैं तो 4 साल में आपको कितना कुछ खर्चा बैठेगा, तो मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखना। कल ही मैंने डाला है, उसमें मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है कि अगर आप यहाँ से बीटेक करते हैं स्पेशलाइजेशन बाय स्पेशलाइजेशन तो आपको टोटल कितना खर्चा बैठ सकता है, यानी कि आपका बजट कितना होगा। तो वीडियो जरूर देखना, वैसे भी वायरल है। तो यहाँ पे अगर बात करें कुछ एक स्पेशलाइजेशन का, तो सीएससी की बात करूँ AIML का, तो अप्रॉक्स फी जो है आपको 10.5 लाख का देखने को मिलेगा। अगर बात करें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, तो यहाँ पे तकरीबन आपको जो 7.8 to 8 लाख का फी देखने को मिलेगा। सीएससी कोर में आपको 10 लाख 10 हज़ार रुपये का फी देखने को मिलेगा। आईटी की बात करूँ तो 8.5 लाख का है। सीएससी ब्लॉकचेन की बात करूं तो वो 10.5 लाख का है। ईसीई की बात करूं तो तकरीबन 8 लाख का आपको बैठ जाता है। टू बी एग्जैक्ट की बात करूं तो 7.8 लाख का होता है। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करूं तो ये 8 लाख रुपए का इसका अप्रॉक्स फी आपको बैठने वाला है। ये सबके सब मैं एकेडमिक फी की बात कर रहा हूं, बट आप वो वीडियो जो मैंने आपको रिकमेंड करा जरूर देखना, आपको समझ में आएगा कि टोटल यहां पे कितना फी लगने वाला है। अब बात करते हैं हॉस्टल में। तो हॉस्टल में बात करूं तो जो नॉन एसी रूम होते हैं ना उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करूं तो आपको 10 हज़ार रुपये लगेगा, और जो एसी रूम्स होते हैं उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 20 हज़ार रुपये लगेगा। और वहीं पर टू सीटर रूम की बात करूं विद अटैच टॉयलेट गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो एनुअली आपको 1,40,000 रुपये का फी लगने वाला है। अगेन हॉस्टल का भी उस वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल्स दिया अलग अलग हॉस्टल्स में, साथ ही बताया कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को कौन कौन से हॉस्टल मिलते हैं और किस तरीके के कैटेगरी के हॉस्टल्स मिलते हैं। तो वीडियो जरूर देखना, आपको थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो पाएगा अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं। तो अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स का। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्लेसमेंट्स का, तो एवरेज पैकेज जो है यहाँ 5 to 6 लाख रुपीस का जा रहा है। प्लेसमेंट्स रेट की बात करूँ तो बिलो 80% आपको प्लेसमेंट्स देखने को मिलेगा। इंटर्नशिप की बात करूँ तो आपको बिलो एवरेज टू एवरेज के बीच में ही यह झूलता हुआ आपको दिखेगा। हाईस्ट पैकेज की बात करूँ तो इस साल 2023-24 का अभी अवेलेबल नहीं है ऑफिशियली। और अगर शारदा यूनिवर्सिटी के मिनिमम पैकेज की बात करूँ बीटेक कोर्स का ना, तो बिलो 3 लाख ये जा रहा है। जी हाँ, यहीं पे आपको समझ में आएगा कि आपने एकेडमिक फी अगर 10.5 लाख बढ़ दिया और आपको 3 लाख रुपये से कम की सैलरी आती है तो सोचो कि आपका क्या होगा। जी हाँ, अगर सिंपल बी ए ग्रेजुएट है ना, वो भी आज की डेट में थोड़े से भी अगर स्किल्ड, थोड़ा सा स्किल्ड, बहुत हायर एंड की तो बात ही छोड़ दो, अगर एवरेज स्किल्ड भी है ना तो भी वो आराम से 4-5 लाख रुपये की सैलरी ग्रैब कर सकता है, एनसीआर में ही ग्रैब कर सकता है। एक बात मैं यहाँ पे शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में क्लियर कर दूँ कि अगर आप थोड़े से भी सिंसियर हैं और सीएससी जैसे स्पेशलाइजेशन में आप हैं तो आप जो है ईजिली यहाँ पे 8 to 9 लाख रुपये या अप टू 8 लाख रुपीज़ तक का आप सैलरी पैकेज है ईजिली ग्रैब कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी शारदा यूनिवर्सिटी आपको हमेशा ही देगी, बट आपको मेहनत करते रहना, आपको एटलीस्ट 8.5 अपना जो CGPA है वो मेंटेन करके रखना है, कंपनी जाती है। तो अगर आप थोड़े से सिंसियर हैं कि आपको 4 साल बाद जॉब लगना है तो आप कम से कम 8 लाख रुपये तक की सैलरी यहाँ से आप ईजिली ग्रैब कर सकते हो। बट एक बात है कि यहाँ पे प्लेसमेंट्स के डेटा में ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखता है, इंटर्नशिप के डेटा में ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखता है, साथ ही साथ इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो कैटेगरिकली प्लेसमेंट्स को फीचर नहीं करता है कि पार्टिकुलर ईयर में पार्टिकुलर ब्रांच से कितने स्टूडेंट्स को जॉब मिली, किस कंपनी में जॉब मिली, ऐसे कितने ऑफर्स थे जिसमें एक से ज़्यादा ऑफर दिए गए, ऐसे कितने स्टूडेंट्स थे जो एलिजिबल ही नहीं हो पाए प्लेसमेंट्स के लिए बैठने में। तो ये सब जो डेटा है ना यूनिवर्सिटी पब्लिक नहीं करती है, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी में थोड़ी सी दिक्कत है। बट अगर आप सिंसियर हैं तो आप यहाँ पे अच्छा करियर बना लेंगे। आप बात करते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ फैसिलिटी जा रहा है शारदा यूनिवर्सिटी में। तो आपको लाइब्रेरी देखने को मिलेगा, बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, जिम है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, टेक लैब देखने को मिलेगा, कैफेटेरिया है, मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगा, फुल्ली वाईफाई कैंपस है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है और कॉन्फ्रेंस हॉल की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट डाइवर्सिफिकेशन का। तो सबसे पहले जेंडर पार्टिसिपेशन की बात करूँ तो यहाँ पे मेल जो है आपको 68% स्टूडेंट्स देखने को मिलेगा और फीमेल जो है 32% स्टूडेंट्स देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे कॉलेजेस से ये रेशियो जो है काफ़ी अच्छा है अगर आप इस हिसाब से देखें जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब बात करते हैं कि डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा है, मतलब अलग अलग रीजन से जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कितने परसेंटेज में यहाँ पे हैं। और ये सब के सब मैं यूजी के कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बीटेक इसमें नहीं शामिल किया है मैंने।
तो अगर बात करें होम स्टेट से, तो उत्तर प्रदेश से 33% स्टूडेंट्स देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि बाहर के स्टूडेंट्स इसमें ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। फॉरेन नेशनल्स आपको 14% देखने को मिलेगा और अदर स्टेट से 53% स्टूडेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है ना, वो यहाँ पे अच्छा देखने को मिलेगा, यानी कि क्राउड आपको अच्छा देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये बात तो मैं यहाँ पे मस्ट एडमिट करूँगा शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स कौन कौन से और निगेटिव पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ताकि आपको एक फेयर आइडिया हो सके कि ये कॉलेज आपको चूज़ करना चाहिए या इसको अवॉइड करके आपको किसी दूसरी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को टारगेट करना चाहिए अपने बीटेक जर्नी के लिए। तो बात करें एडमिशन का, तो एडमिशन इतना हार्ड नहीं है। यहाँ पे आपको इजी एडमिशन देखने को मिलेगा, बट इतना भी इजी नहीं है कि कोई मुंह उठा के जाए और एडमिशन मिल जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर है शारदा यूनिवर्सिटी का। अगर बात करें पैकेजेस का, तो अगर कोई मेहनती स्टूडेंट है ना, मेरिटोरियस है, तो वो यहाँ से अच्छा पैकेज ग्रैब कर ही लेगा। और ध्यान रखना कि CSE एकमात्र ऐसी स्पेशलाइजेशन है शारदा यूनिवर्सिटी में जो शारदा यूनिवर्सिटी का प्राइड है। तो यहाँ पे आप कोशिश करना कि आपको CSE ही मिले। जी हाँ, तभी आप करियर में बेहतर करने के जो प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कुछ एक प्रोज का। तो यहाँ पे जो फी बहुत ही ज़्यादा हाई है, ROI की बात करें तो उतना ROI देखने को नहीं मिलता है, लो ROI ही मैं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि जब आप ओवरऑल सभी ब्रांचेस को मिला के देखते हैं तो ROI आपको नीचे ही दिखता है, बट CSE, IT और ECE जैसे ब्रांचेस जो है वहाँ पे ROI थोड़ा सा आपको बाकियों की तुलना में आगे दिखेगा हमेशा ही। बात करें इन्फॉर्मेशन का, तो इनटेक के बारे में कम से कम इतना तो इन्फॉर्मेशन देना ही चाहिए कि लास्ट ईयर कितना एडमिशन हुआ था पार्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में, तो ये भी वो पब्लिक नहीं करते। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा डाउट होता है, पता चला आपको 700 स्टूडेंट्स के बच्चे में फेंक दिया गया, तो वहाँ पे जो अटेंशन रेशियो होता है ना टीचर टू स्टूडेंट, वो बहुत ही कम होता है यार। मतलब 20-20, 25-25, 30-30 बच्चे पे एक टीचर अगर आपको है तो वहाँ देखो कि क्या कुछ होता है। तो स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें आपको सीखने के जो चांसेस होते हैं ना, वो बहुत ही आपका नीचे चला जाता है। प्लेसमेंट्स के डेटा में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगेन बात करें इंटर्नशिप रेट का, तो बिलो एवरेज इंटर्नशिप रेट है। अब एक बात यहाँ पे निकल के आती है कि शारदा यूनिवर्सिटी को आखिर किस रेंज के जो स्टूडेंट है वो टारगेट करते हैं। तो ध्यान रखना इतना कि वही स्टूडेंट्स इसको टारगेट करते हैं ना जो बाकी जगह, यानी कि इससे जो अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ पर उसका एडमिशन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि शारदा यूनिवर्सिटी उनका कोई पहला ऑप्शन हो, ऐसे स्टूडेंट्स आपको रेयरली देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जनरली वही स्टूडेंट्स होंगे जिसको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाया, तो यहाँ पे उसको सेफ लगा तो वो यहाँ पे आ गए हैं। ऐसे ही आपको क्राउड यहाँ पे कंप्लीटली देखने को मिलेगा। और एक और बात कि यहाँ पे जो है ना आपको बिहार, झारखंड और UP के मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो मैंने आपको एक चीज़ दिखाया था कि ये जो अदर स्टेट का 53% है ना, इसमें मेजोरिटी इन्हीं स्टेट्स का है, जैसे बिहार का हो गया, झारखंड का हो गया, इन स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो था कि A to Z इन्फॉर्मेशन अबाउट शारदा यूनिवर्सिटी। और हाँ, अगर आपको किसी और कॉलेज के बारे में जानना है तो डेफिनेटली उस कॉलेज का नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। और एक बात मैं और क्लियर कर दूँ कि अगर आप शारदा यूनिवर्सिटी चूज़ करने, तो मेरे ओपिनियन में आप कोशिश करना कि आपको CSE और IT ही मिले, तभी जा करके आप यहाँ पे लेना। अगर कोई और मिल रहा है तो उस ब्रांच के, जैसे मान लो कि ECE मिल रहा है, तो NCR में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे ECE का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा, तो आप उसको टारगेट करो, ना कि शारदा यूनिवर्सिटी का। नाम के पीछे मत भागना, क्योंकि हर एक ब्रांच के लिए यूनिवर्सिटी एक जैसी नहीं है।